दोस्तों फिल्मों में गोविंदा और संजय दत्त की जोड़ी भी कमाल की मानी गई है। दोनों ने मिलकर एक से बढ़कर एक एक्शन और कॉमेडी फिल्में की हैं। आज की वीडियो में हम गोविंदा और संजय दत्त की जोड़ी में बनी सभी फिल्मों के बारे में देखेंगे, साथ में उन सभी फिल्मों के बजट और कलेक्शन के बारे में भी जानेंगे। बस आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों इनकी जोड़ी में 4 अगस्त 1988 को फिल्म आई थी जीते हैं शान से। फिल्म के लीड रोल की बात करें तो मिथुन चक्रवर्ती, संजय दत्त, गोविंदा, मंदाकिनी और डैनी देंजगोपा फिल्म के लीड रोल में थे। फिल्म के डायरेक्टर थे कमल शर्मा और बजट फिल्म का लगभग 1.78 करोड़ का था। फिल्म ने इंडिया बॉक्स ऑफिस पर 5.60 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की। वहीं फिल्म ने दुनिया भर से 7.50 करोड़ की कमाई की थी और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। इनकी जोड़ी में दूसरी फिल्म 24 फरवरी 1989 को आई थी। यह फिल्म थी दो कैदी। यह एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। फिल्म के लीड रोल की बात करें तो संजय दत्त, गोविंदा, फरहान, नीलम कोठारी, अमरीश पुरी, गुलशन ग्रोवर, रंजीता कौर और सुरेश ओबराय फिल्म के लीड रोल में थे। फिल्म के डायरेक्टर थे अजय कश्यप। बजट था फिल्म का लगभग 2.47 करोड़ का। फिल्म ने इंडिया बॉक्स ऑफिस पर 5.10 करोड़ की कमाई की। वहीं फिल्म ने दुनिया भर से 7 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की थी और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। इनकी जोड़ी में तीसरी फिल्म 16 जून 1989 को आई थी ताकतवर। एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। फिल्म के लीड रोल में थे संजय दत्त, गोविंदा, अनीता राय, नीलम कोठारी, परेश रावल, तनुजा, अनिल धवन, अनुपम खेर, गुलशन ग्रोवर और शक्ति कपूर। फिल्म के डायरेक्टर थे डेविड धवन। बजट था फिल्म का लगभग 1.54 करोड़ का। फिल्म ने इंडिया बॉक्स ऑफिस पर 3.05 करोड़ की कमाई की। वहीं फिल्म ने दुनिया भर से 3.80 करोड़ से ज़्यादा की कमाई कर ली और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। 3 मार्च 1995 को इनकी जोड़ी में फिल्म आई थी आंदोलन। एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। फिल्म के लीड रोल में थे गोविंदा, संजय दत्त, ममता कुलकर्णी, रमी रेड्डी, दिलीप ताहिल और मोहन जोशी। फिल्म के डायरेक्टर थे अजीत सेजवाल। बजट था फिल्म का लगभग 3.75 करोड़ का। फिल्म ने इंडिया से 6.05 करोड़ की कमाई की थी। वहीं फिल्म ने दुनिया भर से 10 करोड़ की कमाई की और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। इनकी जोड़ी में अगली फिल्म 25 जून 1999 को आई थी, नाम था हसीना मान जाएगी। यह एक कॉमेडी फिल्म थी। फिल्म के लीड रोल में थे गोविंदा, संजय दत्त, करिश्मा कपूर, पूजा बत्रा, कादर खान, परेश रावल, सतीश कौशिक, अनुपम खेर और आशीष विद्यार्थी। फिल्म के डायरेक्टर थे डेविड धवन। बजट था फिल्म का लगभग 9 करोड़ का। फिल्म ने इंडिया बॉक्स ऑफिस पर 14.90 करोड़ की कमाई की। वहीं फिल्म ने दुनिया भर से 26.10 करोड़ की कमाई कर ली और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। इनकी जोड़ी में अगली फिल्म 13 अप्रैल 2001 को आई थी, नाम था जोड़ी नंबर 1। यह भी एक कॉमेडी फिल्म थी। फिल्म के लीड रोल में गोविंदा, संजय दत्त, ट्विंकल खन्ना, मोनिका बेदी थी। फिल्म के डायरेक्टर थे डेविड धवन। बजट था फिल्म का लगभग 10 करोड़ का। फिल्म ने इंडिया बॉक्स ऑफिस पर 18.73 करोड़ की कमाई की थी। वहीं फिल्म ने दुनिया भर से 34.02 करोड़ की कमाई की और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। इनकी जोड़ी में आखिरी फिल्म 28 मार्च 2003 को आई थी। फिल्म का नाम था एक और 11। यह एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी। फिल्म के लीड रोल में थे गोविंदा, संजय दत्त, अमृता अरोरा, जैकी श्रॉफ, गुलशन ग्रोवर और राजेश विद्यार्थी। फिल्म के डायरेक्टर थे डेविड धवन। बजट था फिल्म का लगभग 8.50 करोड़ का। फिल्म ने इंडिया बॉक्स ऑफिस पर 11.57 करोड़ की कमाई की। वहीं फिल्म ने दुनिया भर से 19.25 करोड़ से ज़्यादा की कमाई कर ली थी और फिल्म के हिट या फ्लॉप की बात करें तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बिलो एवरेज साबित हुई। दोस्तों इनकी जोड़ी में यही इतनी फिल्में थी जो मुख्य रूप से इन लोगों ने इन फिल्मों में अभिनय किया था। वैसे तो 4-5 फिल्मों में इन लोगों ने कैमियो अपीयरेंस भी दिया है। इन सभी फिल्मों में गोविंदा और संजय दत्त ने बराबर का किरदार निभाया था और ज़्यादातर रोल कॉमेडी फिल्मों में गोविंदा जी का था।